जय दुर्गा। इस सेशन में हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है SFEE। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जब हम SFEE के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना होगा। इस दौरान आपको सबसे पहले समझना होगा कि ओपन सिस्टम क्या है, उसके बाद स्टेडी फ्लो प्रोसेस किसे कहते हैं, फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी क्या है, और एक और नई टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को क्लियरली समझना होगा, और जब हम इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा समझना कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता क्या है। एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम। That means, अगर हम ओपन सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंप्लीमेंट करेंगे तब जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा उस इक्वेशन को हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको क्विकली उसे बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि ओपन सिस्टम क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में अगर मास इंट्रैक्शन सिस्टम बाउंड्री के साथ अगर किसी सिस्टम में हो रहा है तो वो हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। एनर्जी इंट्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी रहता ही है, यही इसे मास ट्रांसफर ही इसे क्लोज सिस्टम से डिफरेंट भी बनाता है। तो कंबाइनली मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इन कर रही है, मास इन हो रहा है और फिर मास वो बाहर जा रही है, तो वहां पे मास ट्रांसफर अगर होता है तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसी में एक टर्म आता है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो एक टर्म आपको मिलेगा फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम लोग समझेंगे कि फ्लो प्रोसेस क्या है और नॉन फ्लो प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन सिस्टम में एक मास का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि मास सर्टेन मास इन कर रही है एंड आउट हो रही है, तो यहां पर इस प्रोसेस को हम लोग फ्लो प्रोसेस कहते हैं। दैट मींस अगर फ्लो प्रोसेस एनालिसिस की बात की जाए, दैट मींस सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये ओपन सिस्टम की बात हो रही है, और जब नॉन फ्लो प्रोसेस की बात हो रही है, बाय नेम इट सजेस्ट नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन मतलब नहीं, फ्लो प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस में कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो क्लियरली समझ सकता हूं कि ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के एनालिसिस को बताता है। मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है। अब इस सेशन में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझेंगे या ओपन सिस्टम के लिए क्या है। तो उसके बाद जो टर्म हमको समझना होगा कि फ्लो प्रोसेस तो हमारा क्लियर हुआ ना, अब जो मेरा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। तो अगर किसी भी ओपन सिस्टम एनालिसिस में अगर जिस रफ्तार से जिस रेट से मास इन कर रही है उसी रफ्तार से अगर मास आउट भी सिस्टम से हो रहा है, दैट मींस मैं कहना चाहता हूं कि अगर मास फ्लो रेट हमारे सिस्टम का कांस्टेंट है ना, जितना मास इन किया मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट को अगर हम समझेंगे टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, इसको मैं कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ मास इंट्रिंग इन टू ए क्रॉस सेक्शन फॉर यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम के लिए जितना मास इन कर रही है उसे ही हम इनलेट मास फ्लो रेट बोलेंगे, और जिस रेट से वो बाहर जा रही है वो आउटलेट हो गया। तो अगर यह मास फ्लो रेट जिस रफ्तार से आ रही है उसी रफ्तार से बाहर जा रही है सिस्टम में, तो हम कहेंगे कि वो हमारा स्टेडी फ्लो प्रोसेस होगा। मैं आपका एक बात पे आपकी ध्यान को आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब मास फ्लो रेट यहां पे दोनों का सेम है, That means कहीं ना कहीं एक कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस में हम अगर एक शब्द एक वाक्य में कहना चाहें तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास को यह बता रहा है। अगला टर्म है फ्लो वर्क, या इसे फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं, और ये मेनली जो है ओपन सिस्टम में ही डिफाइन होता है। ऐसे फॉर्मूला के आधार पर इसको समझे तो फ्लो वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लेकिन इसको ढंग से समझने के लिए हमें डायग्राम की मदद होगी। लेट सी द डायग्राम स्टार्ट। अब हम
फ्लो वर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी किसे कहते हैं। उसके लिए हमें पहले एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप देखें। तो मैं मान रहा हूं कि ये हमारा एक ओपन सिस्टम है जिसमें ये इनलेट है, ये आउटलेट है, और ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं उसे मैं सिस्टम बाउंड्री कंसिडर कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन सिस्टम में फ्लूड को बाउंड्री क्रॉस करना होता है, फ्लूड में सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूड इन करेगा, यहां से इन करेगा और यहां से आउट जाएगा। तो यहां पे जैसा कि आप देखेंगे कि ये फ्लो कंटिन्यूअस होता है, बट ये होता कैसे है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो हम देखते क्या है कि यहां पे जो भी हमारा फ्लूड है उस फ्लूड प्रेशर के वजह से वहां पे एक फोर्स एक्ट करता है और वहां पे एक उस फोर्स के वजह से एक अमाउंट ऑफ वर्क एक्ट करता है जो कि फ्लूड को फ्लो करने में मदद करता है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुश द फ्लूड फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट इज नोन एज फ्लो वर्क, या इस तरह के वर्क को हम फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं। तो अगर इसको समझने की मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लो वर्क कैसे इसको करेंगे, तो उसके लिए आपको इनलेट और आउटलेट पे एक इमेजिनरी पिस्टन को एक इमेजिनरी पिस्टन कंसिडर करना होगा। तो मैं मान रहा हूं कि ये जो ये है ये हमारा इमेजिनरी पिस्टन है ना, जिसका एरिया मैं क्रॉस सेक्शन ए ले रहा हूं। इधर हमारा फ्लूड है जो कि इस पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर पी एक्ट कर रहा है। तो यहां से अगर हम इस पिस्टन को मान लेते हैं, क्योंकि फ्लूड फ्लो कर रहा है तो पिस्टन कुछ डिस्प्लेस करेगा, तो मान लेते हैं कि एल डिस्टेंस वो कवर किया। तो अगर वर्क आपको निकालना हो कि इस पिस्टन पे कितना वर्क फ्लूड के द्वारा हो रहा है, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें फोर्स निकालना होगा। तो प्रेशर हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया ऑफ पिस्टन। तो यहां से हमारा फोर्स निकल जाएगा, फोर्स इज नथिंग बट द प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। अब अगर वर्क की हम बात करें ना, तो अगर हम वर्क की बात करें ना, तो वर्क जो होगा दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू सम डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं एल डिस्टेंस ये पिस्टन हमारा मूव कर रहा है, तो ये पिस्टन जितना मूव किया उसके लिए जो वर्क करना पड़ा दैट इज फ्लो वर्क। तो यहां पे अगर इसको हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा पिस्टन पी एरिया ऑफ पिस्टन इनटू लेंथ। और अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे दैट इज नथिंग बट द एरिया इनटू लेंथ इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड। तो यहां से हमारा फ्लो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ओपन सिस्टम में ही हमारा फ्लो वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे दैट मींस नॉन फ्लो प्रोसेस की बात करेंगे, तो उसमें कोई मास ट्रांसफर ही नहीं होता है, तो उसमें फ्लो वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये आपको समझना होगा कि सिर्फ ओपन सिस्टम एनालिसिस में ही फ्लो वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। और उसको मैथमेटिकली समझेंगे तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनलेट पे मान लेते हैं प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, आउटलेट पे P2 प्रेशर है वॉल्यूम V2 है, तो आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज फ्लो वर्क एट इनलेट, तो आप बता सकते हैं दैट इज नथिंग बट द P1 V1। अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटलेट पे फ्लो वर्क क्या होगा, तो सिंपली P2 इंटू V2। माय डियर, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो टर्म है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है इंथाल्पी का। और जब तक आप फ्लो वर्क नहीं समझेंगे तब तक आपको इंथाल्पी का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इंथाल्पी की ओर आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंथाल्पी को समझने की कोशिश करेंगे कि इंथाल्पी क्या होता है। इसका बहुत अहम रोल है एसएफई एनालिसिस में। मॉलियर ने एसएफई एनालिसिस में इंथाल्पी के टर्म को खोज किया था, इन्होंने इस टर्म का कॉन्सेप्ट दिया था। क्यों दिया था, क्यों इंथैल्पी की जरूरत पड़ी, ये हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। अभी फिलहाल मैं इसे मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहूंगा और फिर इसके सिग्निफिकेंस को भी बताऊंगा। तो इंथैल्पी को अगर हम समझे दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस फ्लो वर्क ऑफ सिस्टम। दैट मीन्स ओपन सिस्टम एनालिसिस में जब फ्लूड हमारा मोशन में होता है तो उस फ्लूड के पास एक उसका अपना इंटरनल एनर्जी होगा, प्लस उस फ्लूड को मूव करने के लिए उस पे उसका अपना फ्लो वर्क होगा। जब दोनों को हम सम कर देंगे तब जो फ्लूड की जो एनर्जी हुई, उस सिस्टम की जो एनर्जी हुई, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंथाल्पी। तो मैं कह सकता हूं कि इंथाल्पी भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना?
तो ये तो मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात हुई, लेकिन इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि इंथाल्पी का कॉन्सेप्ट सिर्फ ओपन सिस्टम एनालिसिस में ही होता है। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो जैसा कि ये तो मैंने लिखा है, अगर स्पेसिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो एच प्लस यू प्लस पी इंटू बी, ये स्पेसिफिक इंथाल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक फ्लो वर्क ना। तो यहां पे चूंकि क्लोज सिस्टम में हमारे पास कोई मास ट्रांसफर नहीं होता है, जिस वजह से ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये अगर जीरो हो जाता है तो आप जैसा कि देखेंगे कि H बराबर U हो गया। इसका मतलब मैं यहां से एक कंक्लूजन आपके लिए ड्रॉ करना चाहूंगा कि क्लोज सिस्टम में इंथैल्पी जो है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है और ओपन सिस्टम में इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क के बराबर होता है। तो अगर इस दोनों को मैं जोड़ के आपको एक रिलेशन बताना चाहूं तो ये आपको समझ में आएगा कि जो रोल इंटरनल एनर्जी प्ले करती है क्लोज सिस्टम में, वही रोल इंथाल्पी हमारा प्ले करता है ओपन सिस्टम में। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि इंथाल्पी जो है वो हमारे फ्लूड की एनर्जी है, कब, जब वो ओपन सिस्टम में फ्लो करता है। तो इसको कहा जा सकता है व्हेन फ्लूड इज इन मोशन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज इंथाल्पी।